कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रविवार को पूरा इंदौर दौड़ने के लिए तैयार है। मैराथन एकेडमी की ओर से रविवार को इंदौर मैराथन आयोजित की जा रही है। देश की अधिकतर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, इसलिए समाज में कैंसर की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने के लिए कल पूरा शहर दौड़ेगा। इस मैराथन में प्रशासन द्वारा यातायात की व्यवस्था और बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर्स की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। मैराथन में फैंसी ड्रेस पहनकर भी प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें टॉप 5 प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 12.5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार रखे गए हैं। मैराथन सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जो 9:30 बजे तक चलेगी। 19 भारतीय क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रचा है और जिस तरीके से वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है अपने विरोधी टीम को रौंद कर, निश्चित रूप से आज हर भारतीय गौरवान्वित है। हम इंदौर डिवीजन क्रिकेट एशियन इंदौर मैराथन की ओर से, एकेडमी ऑफ मैराथन की ओर से तार चौथे वर्ष मैराथन का आयोजन है और हमें बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि इंदौर में मैराथन के प्रति लोगों की रुचि जागृत हो रही है। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम तो हो गया, पर इसके साथ साथ पूरे साल भर एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन की ओर से गतिविधियां संचालित होती रहती है। आपको मालूम होगा रात्रिकालीन दौड़ हमने पिछले दिनों की थी, इस वर्ष फिर करेंगे। उसके हमारे संयोजक नीरज बाबू भी बीमार हैं, पर इस बार फिर डेट उसकी बता देंगे। यह जो मैराथन हो रही है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पर हो रही है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की 8:30 बजे राजबाड़ी से प्रारंभ होगी, 21 किलोमीटर की स्टेडियम से 6 बजे और 6:30 बजे 10 किलोमीटर की होगी। इस प्रकार तीनों साधारणतया 10 और 21 में प्रोफेशनल रनर्स दौड़ते हैं और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इंदौर में दौड़ के प्रति जागरूकता आई है। पिछले दिनों मुंबई में जो मैराथन हुई थी, इंदौर से डॉक्टर अरुण अग्रवाल के नेतृत्व में 250 रनर्स ने इंदौर से भाग लिया था और वर्ष भर मैराथन एकेडमी ऑफ मैराथन की ओर से इंदौर में गतिविधियां संचालित होती रही थी। इसके सब प्रोफेशनल चिकित्सक हैं जो दौड़ने वालों को वर्ष भर गाइड करते रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ यातायात की व्यवस्था, पूरे रास्ते में डॉक्टर्स की व्यवस्था बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर से, रास्ते भर पानी की व्यवस्था इंदौर के धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, मंच लगाकर, डीजे लगाकर और म्यूजिशियन को बैठाकर जो दौड़ने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इंदौर का जो आयोजन है वो अपने आप में एक बहुत ही मनोरंजक आयोजन होता है, मतलब लोग इंदौर में रन एंड फन दौड़ते भी हैं और मज़ा भी लेते हैं। कल हमारा जो राजबाड़ी से स्पर्धा प्रारंभ होगी, जिसको कि हम फन राइड कहते हैं, उसमें हमने आग्रह किया कि कुछ लोग फैंसी ड्रेस, अलग अलग ड्रेस में वहाँ आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। हम उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ 5 फैंसी ड्रेस पहन कर आएंगे उनको हम यहाँ पर पुरस्कार देंगे। पूरे आयोजन के अंदर 12.5 लाख के हमारे नगद पुरस्कार हैं जो हम देने वाले हैं। इस वर्ष हमें रिलायंस की ओर से, पाथ की ओर से, डायमंड येलो डायमंड की ओर से, अग्रोहा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से विशेष सहयोग प्रदान किया गया है और इस कार्यक्रम के अंदर 6 बजे से 9:30 तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। मैं इंदौर के नागरिकों से अपील करूंगा कि इसमें यातायात में थोड़ा सा हमें सहयोग प्रदान करेंगे। वैकल्पिक मार्ग प्रशासन ने रखे हैं पर फिर भी आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप हम क्षमा चाहें, पर आप हमें उम्मीद है कि एक अच्छे आयोजन के लिए हमें इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी रनर से क्षमा चाहता हूं जो दौड़ना चाहते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, हमारे पास बीट्स ख़त्म हो गई, पर जो लोग भी फन रोड्स में भाग लेना चाहते हैं वे 8:30 बजे आ जाएँ राजबाड़े पर, हमारे साथ दौड़ें, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इंदौर के नागरिकों से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर वर्ष की तरह यहाँ से जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए वे अच्छी यादें लेकर जाएं, इस प्रकार का आप स्वागत करें। देखने में आता है कि चाहे साइक्लिंग हो या टेनिस हो, उस समय पे दौड़ का माहौल बन जाता है, लेकिन ये साल भर ऐसा ही माहौल बना रहा है या लोग दौड़ने के लिए साइकिल करने के लिए, तो जैसे जो विनर्स आते हैं या जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उनको अलग करके उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके या
मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। साइक्लोथान में अलग अलग हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो हर संडे को फन राइड करते हैं, 10 के ग्रुप में, 15 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में, कभी पातल पानी जाते हैं, कभी सीहोर तक जाते हैं, भोपाल में क्रिसेंट होटल है वहाँ तक जाते हैं, कभी मांडव जाते हैं। इस प्रकार हर संडे को अलग अलग ग्रुप्स 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 25 की संख्या में अलग अलग ग्रुप्स जाते हैं। इसी प्रकार हमारे मैराथन एकेडमी ऑफ मैराथन की ओर से अलग अलग स्थानों पर जो लोग वास्तव में रनर्स हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ पर बैठते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो वर्ष भर इसकी गतिविधियाँ चलती रहती है। पिछले दिनों महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था, एक पिंक महिलाओं की एक पिंकेथलॉन हमारे डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने की थी, जिसमें महिलाओं ने काफ़ी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। तो इस मैराथन के माध्यम से हम जहाँ ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर, फिट इंदौर की बात करते हैं, वहाँ जो समाज के अंदर कोई बुरा जैसे बीमारी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक महिलाओं के अंदर, भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी कल परसों ही मैंने पढ़ा था, उसके प्रति अवेयरनेस के लिए हमारे डॉक्टर अरुण अग्रवाल स्वयं कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो पिंकेथलॉन महिलाओं का एक दौड़ किया था। इस प्रकार हम कैंसर के लिए और समय समय पर समाज के अंदर जागृति के लिए आयोजन करते रहे। देखिए, इंदौर हमारे मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और वो यहाँ के नायक हैं, महानायक हैं, और इसलिए वो इंदौर के प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा मानते हैं। इंदौर के प्रदेश के लिए नायक है और इंदौर के लिए महानायक। सर, रमेश जी का नाम भी चर्चाओं में लगातार था कि कहने का, क्योंकि इंदौर से सबसे ज़्यादा, पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले नेता हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नाम पीछे रह जाना, और इंदौर के खासकर जो जनता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से खास उनका जुड़ाव है, वो लगातार लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं। आपकी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दूँ। शरद पवार जी ने एक अलग पार्टी बनाने का बनाई है, जिसमें बीजेपी नेता भी और शरद पवार भी शामिल थे। न्यूज़ आया था मेरे लिए, तरह का कोट पहन लगे हैं, पहले फटा कुर्ता दिखाते थे, जेब फटी, मतलब मोदी जी की सरकार में उनके अच्छे दिन आ गए।